हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप रियलमी के मोबाइल के ऐप लॉक को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप पे अभी ऐप लॉक लगा हुआ है, तो मुझे याद नहीं है इसका ऐप लॉक क्या है। तो देख सकते हैं मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यहाँ पर मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि मेरा जो लॉक क्या था ऐप लॉक, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो देख सकते हैं मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से इसे क्लोज़ कर देना होगा, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल को रीसेट करना होगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग में चले जाना है। तो इसके लिए आपका जो डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, तो उसका आप बैकअप बना लें। अगर आपको नहीं पता है रीसेट होने पर डेटा डिलीट होता है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इससे आपका जो डेटा है, फ़ोटोज़ वीडियो, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बैकअप बना लेना है। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डिलीट होने से, तो आप डायरेक्ट रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेटिंग में चले आना। सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है, और रीसेट फ़ोन पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिजॉल्व डेटा, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना लॉक डाल देना है, जो भी आपका स्क्रीन लॉक हो। आपको तो ऐप लॉक याद ही नहीं है, तो ऐप लॉक याद नहीं है, पर आपको स्क्रीन लॉक याद होगा, तभी आप यहाँ पे हैं। तो आपको स्क्रीन लॉक याद है, तो आपको स्क्रीन लॉक डाल देना है। तो ये जो वीडियो वो स्पेशली ऐप लॉक के लिए है, ऐप लॉक को आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो आपको स्क्रीन लॉक याद होगा, वो आपको डाल देना है, और उसके बाद इरेज डेटा पे आपको क्लिक कर देना है, इरेज डेटा पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना है जब तक ये ऑन नहीं हो जाता है। तो आपका जो फ़ोन है कुछ देर बाद ऑन हो जाएगा, 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो आपको सिर्फ वेट करना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ ऐसा प्रोसेस चलेगा, तो आपको वेट करना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा प्रोसेस चलेगा। तो देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है ऑन हो चुका है, थोड़ा ही टाइम लगा है। तो आपको इसे सेटअप कर लेना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, और आपको इनकी जो टर्म्स हैं उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन कर लेता हूँ, या मैं अभी इसे बैक करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी, या देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे वेट करना है थोड़ी देर। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डोंट कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए बोला है। चेकिंग इन्फो यहाँ पे चलेगी, तो आपको वेट करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ईमेल आईडी से साइन इन करने के लिए बोले, तो अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ, ये सब हम बाद में कर लेंगे। मोर पे एक्सेप्ट हम करेंगे इसे, और ये बोल रहे हैं चलो ओके भाई, ठीक है, जो करना है वो कर लो। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो अभी भी मैं इसे स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे नेविगेशन बोल रहे हैं किस तरह का आप लगाना चाहते हैं, बटन मुझे पसंद नहीं है, यही पसंद है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लॉक बोल रहे हैं हम नहीं, मैं लगा लूँगा बाद में, आपको डन पे क्लिक करना है, और ये हमारा जो फ़ोन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड।
और जो हमारे फ़ोन है वो रीसेट हो चुका है, और हमारे मोबाइल में जो ऐप लॉक लगा था व्हाट्सएप पे वो भी हट चुका होगा। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी मेरी आईडी भी ऐड नहीं है, आपका जो लॉक है वो टूट चुका हो, टूट जाएगा इसके बाद। तो ऐसे आप अपने फ़ोन का जो है ऐप लॉक तोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।